सेल में कास्टिंग कौन कर रहा है लीक्स दे दे फिक्सेस कर रहा है थग कर रहा है आ, केतन कर रहा है जॉनी और आ, क्रैट <coughs> कब होगा बीजेएस का अनाउंसमेंट देखो मैं इतना बता सकता हूं कि रोड मैप का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है पहली <laughs> जो चीज है वो ये है कि हमारा जो पॉइंट्स टेबल है वो दस वाला फॉलो किया जाएगा सेकेंड हमारे पास फाइनली जो, जो जोन है वो न्यू होगा थर्ड हमारे पास ट्रांसफर टी डब्ल्यू लिख देता हूँ ना ट्रांसफर विंडो लिख देता हूं वो सही है तो ट्रांसफर विंडो है जो कि शायद शायद क्या पता दो बार हो इन ईयर वो थोड़ा सा मजेदार रहेगा अब इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी रहेगा वो ड्रॉबैक ये है कि जिन प्लेयर के पास टीम नहीं है वो प्लेयर छह महीने तक क्या बैठा रहेगा या फिर जो प्लेयर किसी टीम से नहीं खेल रहे वो एक नई टीम फॉर्म करके फिर खेल रहे शायद जो थर्ड पार्टी टूर्नामेंट है उसको भी ऑफिशियल में इंक्लूड किया जाए थर्ड पार्टी टूर्नामेंट से जो टॉप थ्री मेजर इवेंट्स होते हैं ना जो मेजर इवेंट्स है जिनके प्राइस पुल बहुत बड़े हैं वहां से जो टॉप थ्री टीम्स हैं उनको हो सकता है कि BGIS में इनवाइट मिले वैसा भाई को कोई चांस है इन BGIS 24 अरे यार वो पोजीशन पर थे BMPS BMPS में में तो अगर BMPS में वो पोजीशन पर हैं और मैं कह रहा हूं कि BMPS की अगर टॉप 24 टीम्स को भी इनवाइट मिलता है तो उसमें तो गॉड लाइक एडेड है ना सीजी को स्लॉट मिलेगा क्या ऑब्वियसली स्लॉट मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा वो भी तो टॉप ट्वेंटी के अंदर थे ना तुम लोगों ने ऑफिशियल की रूल बुक पढ़ी है ना आई होप तुम लोगों ने ऑफिशियल की रूल बुक पढ़ी हो नहीं पढ़ी है तो मैं तुमको बता देता हूं ऑफिशियल का रूल बुक यह कहता है कि मानो अगर एक टीम में छ प्लेयर है ठीक है अभी छ प्लेयर में से तीन प्लेयर किसी न्यू टीम में जाते हैं ठीक है तीन नहीं मान लेते हैं कि छह में से चार प्लेयर किसी न्यू टीम में गए तो जो स्लॉट है वो और को ना जाके इन चार प्लेयर वाली टीम को जाएगा